अब दूर है इनसे, सूरज तो सजदे में सर झुकाए, सितारे करे चाकरे, कायनात का हर कतरा इन पे बल बल जाए। मंदिर के दीपक सी है ये मस्जिद की पाक जान है, गिरजा की घंटी सी पावन गुरुवाणी सी ये महान है। फिर क्यों इतनी बेटी पे यारी चलती है, फिर क्यों बेटी की चिता गर्भ में जलती है। मत कम माँ को ये फलक से उतरी हुई सी है परियां, और सोच बदल के देखो पल दो पल के लिए, बड़ा नाम करेंगी रोशन बेटियां, बड़ा नाम करेंगी रोशन बेटियां, बड़ा नाम करेंगी रोशन बेटियां, बड़ा नाम करेंगी रोशन बेटियां। खुशामदीद इस्तकबाल, नमस्कार। मैं धनराज दाधीच आप सभी का आपके इस खास प्रोग्राम नाम करेंगी रोशन बेटियां में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, बेटियां ईश्वर का अनमोल उपहार है, खुदा की नेमत है, इस कायनात की सबसे खूबसूरत रचना है जो इस पूरी सृष्टि को महकाती है। बेटियां बेटों से जरा भी कम नहीं है, हमें इनमें भेद नहीं करना चाहिए। माँ बाप के लिए बेटा बहू आने तक ही उनका रह पाता है, लेकिन बेटी कन्यादान के बाद भी नए बंधन को निभाती, ससुराल की जिम्मेदारी ओढ़े पराया होने के बावजूद भी रिश्तों को सींचती चली जाती है। उसे ये ताकत कहाँ से मिलती है, ये माँ बाबूजी भी नहीं समझ पाते। बेटा तो कभी कभी अनचाहा दर्द दे जाता है, लेकिन बेटी ससुराल में रहते हुए भी माँ बाप के दर्द को सीने से लगाए रखती है। दोस्तों, एक बार एक पिता ने अपनी बेटी से पूछा कि बेटा तुम मुझे ज़्यादा चाहती हो या अपने पति को। हालांकि पिता के सवाल में थोड़ा स्वार्थ था, पर बेटी ने बिना असमंजस में पड़े जवाब दिया कि पापा, जब आपके साथ होती हूँ तो मैं उन्हें भूल जाती हूँ, लेकिन उनके साथ होती हूँ तो आप मुझे बहुत याद आते हैं। सचमुच कुछ ऐसी ही होती है बेटियाँ। नाम करेंगी रोशन बेटियाँ। और आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं एक ऐसी बेटी से जो एक आर्टिस्ट हैं, जो एक चित्रकार हैं, जो समाज सेविका हैं, जो एक फैशन डिजाइनर हैं और जो एक माँ है। अब आप कहेंगे कि माँ तो हर औरत होती है। नहीं, ये कोई एक दो बच्चों की माँ नहीं, पूरे 111 बच्चों की माँ है और राज्य बाल आयोग के अध्यक्ष हैं, और इनका नाम है मनन चतुर्वेदी। मनन जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम नाम करेंगी रोशन बेटियां में बहुत बहुत स्वागत। बड़ा नाम करेंगी रोशन बेटियां, बड़ा नाम करेंगी रोशन बेटियां। मनन जी, आपसे बातों का सिलसिला शुरू करें इससे पहले आइए डालते हैं आपके जीवन पर एक खास नजर। नाम करेंगी रोशन बेटियां। अपने बच्चों की परवरिश तो हर कोई करता है, बात तो तब है जब हम दूसरों को संवारें, दूसरों को प्यार करें। एक ऐसी ही बेटी जो स्वयं 3 बच्चों की माँ होते हुए भी दूसरे 111 बच्चों को अपनी ममता लुटा रही है, उन्हें दुलार रही है, संवार रही है, और उस बेटी का नाम है मनन चतुर्वेदी। 7 नवंबर 1973 को जन्मी मनन का सपना था कि वो एक फैशन डिजाइनर बने, और इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली थी। किंतु जब वो 19 वर्ष की थी तब कहीं जा रही थी, अचानक उसने जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड पे एक बच्चे को देखा जो एक डस्टबिन के पास कुछ खाना ढूंढ रहा है। उसी कचरे
प्रयासों के चलते राजस्थान सरकार ने हाल ही में राज्य बाल आयोग की अध्यक्ष मनोनीत किया है। सचमुच ऐसे ही नाम रोशन करती है बेटियां और इनकी रोशनी सारी कायनात के अंधेरे को खत्म कर देती है। नाम करेंगी रोशन बेटियां। मनन जी, आपके सफर को देख के लगता है कि आपने जो किया है उसके लिए बहुत समर्पण और त्याग की आवश्यकता होती है और आप इसकी एक पूरी मिसाल है। खैर, आप हमें बताएं कि फैशन डिजाइनिंग और ग्लैमर को छोड़ करके आपने ये रास्ता कैसे चुना? इंसान वही करता है जो उसे पसंद होता है। वो मेरा बचपन था, ग्लैमर उसमें दिखा, लेकिन जैसे ही समझ आई और एक वाक्य मेरी ज़िंदगी में हुआ, मेरे को रियल ग्लैमर, रियल सुकून समझ में आया और फैशन डिज़ाइनिंग की जगह मुझे लाइफ डिज़ाइनिंग समझ में आया। हम वो वाक्य के बारे में जानना चाहेंगे, क्या हुआ आपके साथ? बहुत साल पहले की बात है, जब मैंने अपना फैशन डिज़ाइनिंग कंप्लीट किया था और मैं अपने घर को लौट रही थी, तो मैंने एक बच्ची को देखा था जो टोटली नेकेड थी और शी वॉज टोटली नेकेड और कचरे में से कुछ ढूंढ कर वो खा रही थी। तो मुझे लगा कि मैं किसके लिए कपड़े डिज़ाइन कर रही हूँ जब कपड़े ही नहीं हैं पहनने के लिए। वो बिल्कुल निर्वस्त्र थी और मेरी ज़िंदगी बदल गई। जाहिर सी बात है कि इस काम में बहुत सारी मुश्किलें आई होंगी, तो आपने उन मुश्किलों को किस तरह लिया? मुश्किलों को चुनौती समझकर, और जब चुनौती होती है तो इंसान खड़ा होकर चलता है, दौड़ता है और उनका सामना करता है। चुनौती को कभी परेशानी के रूप में नहीं सोचा, परेशानियों को चुनौतियों के रूप में समझा, इसलिए सहज हो गया। मनन जी, आप दो बेटियां और एक बेटे की माँ हैं, तो आप बेटा बेटी को किस तरह लेती हैं, किस नज़र से देखती हैं, क्या आप भी फ़र्क महसूस करती हैं? मेरे लिए वो बच्चे हैं, बेटा और बेटी में कोई फ़र्क जैसा विषय ही नहीं है। लेकिन आज समाज में इस तरह की धारणाएँ हैं। ये बहुत पुराने समय से धारणाएं चली आ रही है जिसको हम बदलने का अब प्रयास कर रहे हैं। काफ़ी कुछ, मैं आपके सामने बैठी हूं और मैं भी बेटी ही हूं, तो आप समझ सकते हैं आप बेटे हैं और मैं बेटी हूं, तो समाज बदल तो रहा है। कितना वक्त लगेगा और कैसे बदलेगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन हम उस तरफ चल रहे हैं। पिछले कुछ सालों में बेटियों के लिए दुनिया काफ़ी बेहतर हुई है, क्या आप मानती हैं वास्तव में हुई है बेहतर? बेहतर हम क्या समझते हैं, कभी भी कोई पूरी तरीके से अच्छा या कभी भी पूरी तरीके से बुरा नहीं होता। अभी कुछ दिनों में जो हादसे हैं उनको देखें तो मुझे लगता है गांव में पहले चौपाल के पास में बच्चियां घूम पाती थी, लेकिन आज सोचने की बात है उस परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो बच्चियों के लिए हमें और ज़्यादा समझना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो चांद पर भी चले गए और मेरी जैसी बेटियाँ भी, तो उन्नति उन्नति का स्तर है, कौन सी उन्नति की हम बात करें। आप 111 बच्चों की माँ है, आपको कैसा लगता है? आपने मेरे इंट्रोडक्शन में अभी ये कहा कि मैं बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष हूँ, उससे पहले मुझे भी लगता था कि मैं 111 बच्चों की माँ हूँ। आज मुझे सिर्फ इतना लगता है मैं माँ हूँ। कितने बच्चों की हूँ और कितने बच्चों की होंगी ये विषय ही नहीं रहा, मैं एक माँ हूँ चाहे जितने भी बच्चे हों। आपकी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में कुछ बताएं, अब आप आगे क्या करना चाहती हैं? आयोग की अध्यक्षा होने के नाते तो मैं पूरी तरीके से काम करना चाहती हूँ और करने का प्रयास भी कर रही हूँ, लेकिन अगर इंसान होने के नाते आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी में बच्चों की आज़ादी, मैं स्वतंत्रता की बात नहीं कर रही हूँ, बच्चों की आज़ादी, चाहे वो अमीर का हो चाहे वो गरीब का हो, एक ऐसी बेंच हो जहाँ बच्चों की सुनी जाए, चाहे वो वोटर हैं चाहे वो वोटर नहीं हैं, उनकी आवाज़ सुनी जाए और उनकी बात को तवज्जो दी जाए और वो खुश रह सकें। अपने बचपन के बारे में कुछ बताएं, किस तरह बीता आपका बचपन? मेरा बचपन माँ की उंगली पकड़ के पापा के कंधों पर झूल कर बड़ा हुआ, और जब मैंने ऐसे बच्चों को देखा जिनकी हाथ में ना माँ की उंगली थी और ना कंधे थे अपने पिता के, अब मुझे एहसास होता है कि मेरा बचपन स्वर्णिम था। बेटियों की सुरक्षा को लेकर आप किस चीज़ की कमी महसूस करती हैं? बच्चियों को लेकर आपने मेरे से पूछा कि आप सुरक्षा को लेकर क्या चाहती हैं, तो मैं सुरक्षा चाहती हूँ। मेरी चाहत और आपकी चाहत जिस दिन मिल जाएगी उस दिन बेटियाँ सुरक्षित हो जाएगी, और जो सुनने वाले हैं और जो देखने वाले हैं वो हमारे साथ होंगे तो हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो सबके साथ की उम्मीद करती हूँ और बच्चियों की सुरक्षा पूरी तरीके से चाहती हूँ। मनन जी, अपने बारे में कुछ बताएं। मैं एक बहुत अजीब सा और शैतान बच्चा थी, बहुत शैतानियाँ थी, अपने कोर्स की किताबें बहुत कम पढ़ा करती थी और कॉमिक्स बहुत ज़्यादा पढ़ा करती थी। ख्यालों की दुनिया में रहना मुझे हमेशा से पसंद था, और ख्यालों की दुनिया में रहते रहते जैसे जैसे बड़ी होती गई हकीकत की दुनिया से रूबरू होती गई, ख्यालों को ही हकीकत करने में लग गई। बहुत पहले की बात है, एक बार मेरे घर के सामने दरवाज़ा बजा के कुछ बच्चे भीख मांगने आए, तो बच्चे मुझे बहुत अलग लगे, बहुत अजीब लगे, मेरे को लगा ये ऐसे क्यों मांग रहे। वो पहला इंसिडेंस था, तो उनका पीछा करते करते मैं निकली और थोड़ी देर बाद पीछे से आवाज़ आई
और मैं घर लौट आई। लेकिन उस दिन मेरे लिए एक बहुत बड़ा विषय था कि हम इतने अच्छे से जी रहे हैं और ये बच्चे कैसे, पहला सब्जेक्ट था। उसके बाद थोड़ी और बड़ी हुई तो मुंबई चौपाटी पे मैंने मेरे फादर से ज़िद्द की गुब्बारों की। जब गुब्बारों की ज़िद्द की तो वो एक बच्चा था छोटा सा, मेरे पापा ने पैसे दिए, मैंने उस बच्चे को घोड़े पे बैठे बैठे दिए और उसने सारे गुब्बारे जितने भी थे मेरे को दे दिए। सारे गुब्बारे मैंने हाथ में लिए और उन गुब्बारों को हवा में उड़ा दिया। वो तो उड़ते रहे और जैसे ही मैंने नीचे नज़र की तो मेरी नज़र पड़ी कि वो बच्चा दूर फटाफट भाग के गया और कुछ खरीद रहा खाने के लिए। मेरे लिए गुब्बारे खरीदना ज़िद्द थी, खरीद कर घोड़े पे बैठे बैठे उड़ाना ज़िद्द थी। लेकिन जब नज़र पड़ी उस बच्चे पर तो वो उसी पैसे से कुछ खरीद कर खा रहा था। तो वो सेकंड इंसिडेंस था। मेरी क्लास में एक फ्रेंड थी मेरी बहुत अच्छी, उसकी मदर की अचानक डेथ हो गई और उसकी स्कूल की फ़ीस नहीं जमा हो पा रही थी। तो उसने मुझे कहा मनन मैं कल से नहीं आऊँगी। तो मैंने उसे पूछा क्यों, तो उसने मुझे शेयर किया मेरे फादर ने मैरिज की है और वो बिल्कुल मुझे स्कूल नहीं आने देती है वो। तो मुझे कुछ तो नहीं सूझा क्योंकि मैं छोटी थी, क्लास की मॉनिटर होने के नाते पूरे मॉनिटर से ये कहा कि चलो हम पैसा इकट्ठा करते हैं और जमा करवाते हैं प्रिंसिपल मैम को। तो लंच बॉक्स में पैसा इकट्ठा किया और वो कॉइन्स मुझे आज भी याद है, टेबल पर प्रिंसिपल मैम के उल्टा कर देना वो खाने का डिब्बा, वो आज भी याद है। जब उन्होंने पूछा ये पैसे यहाँ क्यों रख रही है और मैंने कहा मेरी सहेली पढ़ना चाहती है और वो पढ़ नहीं पा रही, फ़ीस नहीं जमा करवा पाई। तो मैम ने उस दिन 10 बच्चों की फ़ीस माफ़ की। तो ऐसे चेन ऑफ लाइफ, यू नो, पूरी लाइफ की एक घड़ी है। तो हमेशा कोई पूछता है मुझसे ज़िंदगी क्या है, तो मैं कहती हूँ लाइफ इज़ द सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंसेस और एक्सीडेंट्स, दुर्घटना और हादसों की कड़ी ज़िंदगी होती है। तो आज मैं जो कर पा रही हूँ तो मुझे लगता है वो मेरे बचपन का कहीं अक्स है। सेंसिटिविटी बहुत ज़रूरी है, देखते तो आप और मैं सभी कुछ हैं। और आज उन्हीं बच्चों को देखते देखते मैं कोशिश कर रही हूँ पिछले 5-6 साल से, जिसमें मैं सड़कों पर पेंटिंग्स भी बना रही हूँ, नॉन स्टॉप मैराथन चल रही है, एक ऐसा घर जहाँ पर बहुत सारे बच्चे रह सकें, 2,500 बच्चों के लिए घर बना रही हूँ जहाँ जिनके माता पिता नहीं हो सकते या होते वो बच्चे वहाँ रह सकते हैं, वो उनका अपना घर होगा, वो उड़ान भर सकते हैं, वो आसमां छू सकते हैं और लौट कर वापस अपने घर में आ सकते हैं। जयपुर में ही एक ऐसा घर बन रहा है, 6 मंजिल का लगभग वो घर है। आप इनके लिए फ़ंड की व्यवस्था कहाँ से करती है, आप तो कोई सरकारी सहायता भी नहीं लेती? हाँ, मैं सरकारी सहायता नहीं लेती, उसी के लिए सड़कों पर पेंटिंग्स बनाती हूँ। जैसे 24 घंटे लगातार उसमें ना बैठना है, ना खाना है, ना सोना है, ऐसे 3 दिन 3 रात 72 घंटे 48 घंटे 2 दिन 2 रात उसमें ना बैठना है, ना खाना है, ना सोना है, लगातार हाथों से पेंटिंग बनानी है, दर्द बेचते हैं। मैं बहुत बड़ी कलाकार नहीं हूँ, मैं तो कहती हूँ मैं रंगरेजा हूँ, टाई डाई वाले होते हैं ना जो कपड़ों रंग देते हैं, रंगरेजा, मैं तो वो हूँ। तो बस सड़कों पर पेंटिंग बनाकर इस तरीके से जो लोग पेंटिंग खरीदते हैं उनसे 3 मंजिल 5 करोड़ का वो ऑब्जेक्ट में से करीबन 1.5 करोड़ पेंटिंग से ही ऐसे बना बना कर सड़कों पे इकट्ठा हुआ, फिर थिएटर्स उनसे और शॉर्ट फिल्म्स बना के लिख कर, मेरी किताब आती है बोगनवेलिया लिखती हूँ उनसे। जो शॉर्ट फिल्म बनाई मैंने, बहुत ज़्यादा शॉर्ट फिल्म्स नहीं बनाई, मैंने पहली शॉर्ट फिल्म बनाई एक बच्चे के लिए और उसको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में राजस्थान उसमें अवार्ड मिला, 850 पिक्चर्स में से एक। उसके बाद पैसा चाहिए फिल्म सुनाने के लिए, मैंने बस की लाइट में, बस की ही साउंड को यूज़ करते हुए, फॉलो के लिए पैर में वो बांधते हुए एक ही रात में उसको शूट भी किया और एडिट भी किया, रंथ्रु नाइट के नाम से, एक्ट भी खुद ने किया, टाइफाइड था, हॉस्पिटल में एडमिट थी, कैन्यूला लगा हुआ था, फिर भी किया। हाँ, वो किया और वो सक्सेसफुल रही। वो मैसेज है, वो बच्चों के लिए है। ये जितने भी कार्य हम कर रहे हैं, काम हम कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है, ये किसी के लिए नहीं है, खुद की संतुष्टि के लिए है। इंसान अपनी संतुष्टि के लिए ही सब कुछ करता है। तो फिल्म भी मेरी नहीं है, बच्चों की ही है, और बच्चों की ही जीत है जो मेरी जीत है। मैम आप बहुत अच्छी लेखिका हैं, तो कुछ सुनाया, कोई पोइट्री अगर आपको याद है? हाँ, मैं यही की ही जो मेरे दिमाग में आ रहा है मैं वो बोल सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे अंजुमन में क्या है क्या नहीं मुद्दा नहीं, अंजुमन को खाली रखना भरने के लिए काफ़ी है। मेरी हथेलियों में क्या लिखा है क्या नहीं मुद्दा नहीं, मेरे हाथों में दूसरों के लिए तकदीर लिखने का वाकया भी बाकी है। क्या बात है, बहुत खूब। मनन जी आप बहुत अच्छा गुनगुनाती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं। अच्छे बुरे की बात, कुछ गा दीजिए आप हमारे लिए। हाँ, मैं मेरा लिखा हुआ जो बच्चों के एल्बम में मैं कर रही थी उसमें मैंने गाया है, वो 2 लाइनें थिएटर में भी यूज हुई, वही। जिंदा हूँ मैं मरी नहीं, ली अंगड़ाई सोई नहीं,
साथ हूँ सदा, खोई नहीं, जिंदा हूँ मैं, मरी नहीं। बहुत खूब। आप हमारे प्रोग्राम नाम करेंगे रोशन बेटियाँ के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि हम सबसे पहले एक ऐसी आज़ादी की तरफ उड़े जहाँ बेटी और बेटे का विषय ही समाप्त हो जाए और इंसान सिर्फ खुद में से मट के ना जिए, सबको अपना और अपने आप को सबका समझे। ये सबसे बड़ी गुजारिश है। एक भी बच्चा सड़क पर ना हो, हम किसी का इंतज़ार ना करें कि पुलिस आएगी तब कुछ होगा, प्रशासन होगा तब कुछ होगा, सरकार आएगी तब कुछ होगा। सरकार क्या है? आप और मैं। प्रशासन क्या है? आप और मैं। पुलिस क्या है? आप और मैं। एक आम इंसान में से ही चुनकर निकलते हैं ये लोग, मैं और आप। तो हम सभी क्यों ना जागरूक हो जाएं? अगर आम आदमी जागरूक हो जाता है, आप और मैं जागरूक हो जाते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि एक ही बेटी नहीं, कोई भी बेटी या बेटा या कोई भी बच्चा सड़क पर नहीं होगा। नाम करेंगे रोशन बेटियां। आज हमारे बीच मौजूद हैं प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद परम श्रद्धे योग गुरु स्वामी बालेंदु गिरी जी ऋषिकेश कोटेश्वर। वो मनन जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। बड़ा नाम करेंगे रोशन बेटियां। बड़ा नाम करेंगे रोशन बेटियां। मनन जी, आप हमारे इस प्रोग्राम नाम करेंगे रोशन बेटियां में आई, आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वंदे मातरम। नाम करेंगे रोशन बेटियां। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होती है एक और बेटी के साथ। तब तक मैं धनराज दाधीच आप सभी से आज्ञा लेता हूँ, अलविदा। मेरी शादी हुई थी 2010 में, उसके बाद 2 साल के बाद पति का एक्सीडेंट हो गया था। पति के डेथ के बाद में कोई राह नहीं दिखाई देती थी कि क्या करना है आगे, बेटी भी है थी। उसी दौरान जयपुर मेट्रो का सामने आया मेरे। जब मैंने इसका फॉर्म भरा था, एग्ज़ाम दिया था, तब मुझे नहीं पता था कि ट्रेन चलाने को मिलेगी। लेकिन जब पता चला ट्रेन चलाने को मिलेगी तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मैं ट्रेन ज़रूर चलाऊँगी। रब की दुआओं से है ये, शुभ कामनाओं से है ये, हर तरफ खुशबू लुटा दे महकी फिजाओं से है ये। रब की दुआओं से है ये, शुभ कामनाओं से है ये, हर तरफ खुशबू लुटा दे महकी फिजाओं से है ये। हर घर को स्वर्ग बनाती है, आंसू पी के मुस्काती है। से पहले मसला जाता है, फिर क्यों जग इनके मन को समझ न पाता है। खिल